साथियों, आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर काफी कम से कम दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स को देखने को मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चंस आपको कैसे क्लियर करना है वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अप्रैल और मई 2 महीनों के जो एग्जाम के हैं वो करंट अफेयर्स आप रट लीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम ऑनलाइन रहने वाला है। और मार्च का रटे तो मार्च अप्रैल मई ये ध्यान रखना। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जून तक आपका मैं 15 जून तक है वो क्लियर करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक, राइट आंसर क्या है? यस बैंक आपका राइट आंसर है। दोस्तों करंट अफेयर्स का रोल बहुत रहने वाला है एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये हमारे जो 20 फुल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं मात्र 49 रुपीज के अंदर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाएंगे, वहां पर कुछ आपको पीडीएफ फाइल भी देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जाइए। और ये आज का सवाल है, आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनियम और शुक्र। इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए पब्लिक, देखिए पब्लिक ईवी चार्ज स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम के अंदर आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और परीक्षा के लिए काफी हेल्प मिल रहा है। राइट आंसर दोस्तों 800 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 800 करोड़ रुपए आपका राइट आंसर है। सरकार ने पैन आधार कार्ड लिंक के लिए सीमा अवधि, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस दोस्तों। और ऐसा प्रश्न आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर दोस्तों 30 जून रखा गया। कितना रखा है दोस्तों? 30 जून। उसके बाद में इसकी पेनल्टी कितनी है? 10,000 रुपये। कितनी है दोस्तों? 10,000 रुपये पेनल्टी है, ध्यान रखना। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। राष्ट्रीय जीनोम नीति की शुरुआत करने वाला पहला देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों नई दिल्ली के अंदर इसकी आयोजित की गई। इसकी स्थापना 2001 के अंदर की गई थी, ये ध्यान रखना। इसकी जो स्थापना है दोस्तों, इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 2001 के अंदर की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग है। क्या है दोस्तों? बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। बीजिंग कौन सा? बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। किस राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे को बताएंगे। दोस्तों देखिए IBA इसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1946 के अंदर की गई। कब? 1946 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। इनके उपाध्यक्ष की बात करें तो अजय सिंह को चुना गया। किसे चुना गया? अजय सिंह को चुना गया। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकन डॉलर देने की ऋण की घोषणा की? अमेरिकन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कर्नाटका। कौन सा दोस्तों? कर्नाटका। राइट आंसर कर्नाटक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर दोस्तों अमित छत्री को नियुक्त किया गया। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आईपीएल 2023 के ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आईपीएल का 16वां संस्करण था, इसकी विजेता टीम CSK रही, इसकी उप विजेता टीम गुजरात टाइटल रही। इसका जो स्टेडियम है, आपसे ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा दोस्तों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था पहला सेरेमनी। और दोस्तों पहला मैच भी गुजरात और CSK मध्य हुआ, और फाइनल मैच भी कितना हुआ? CSK और गुजरात के मध्य हुआ। जहां मैं बात करूं दोस्तों पर्पल कैप की बात करूं, पर्पल कैप गेंदबाजों को दी जाती है। ये
शमी को दी गई, किसे दी गई, शमी को दी गई, और शमी किसके खिलाड़ी है, गुजरात के। और जो आपका ऑरेंज कैप है दोस्तों, ऑरेंज कैप बल्लेबाज को दिया जाता है, ये भी जीटी के खिलाड़ी थे, वो थे सुमन गिल। कौन थे दोस्तों, सुमन गिल को दिया गया था। अंतिम मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये मैच फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लड़ा गया था। चलिए अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों वो है जस्टिस रमेश सिंह। कौन है दोस्तों, रमेश सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, रमेश सिंह आपका राइट, रमेश सिंह आपका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को बना था, और उस समय इसका न्यायालय न्यायाधीश है वो भी हाईकोर्ट है वो भी बना दिया गया था। देखिए, किस राज्य ने 100% रेलवे इलेक्ट्रॉनिक का पूरा काम कर दिया है, यानी जो ट्रेनें चलेगी वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलेगी, हरियाणा। क्या है, हरियाणा आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल मैरिटाइम वीक कब से शुरू हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों 30 मार्च से शुरू हो जाएगा, 30 मार्च आपका राइट आंसर है। हीरो मोटर कॉर्प ने नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया, हीरो मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, हीरो मोटर के नए सीईओ निरंजन गुप्ता को किया गया, निरंजन गुप्ता को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा पावर ने किस फिर से अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, टाटा पावर, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सिंह, कौन दोस्तों, प्रवीण सिंह को किया गया। और दोस्तों ध्यान रखा, टाटा जो आईपीएल है ना, आईपीएल का स्पॉन्सर कौन था, टाटा था, कौन था भैया, टाटा था। और परीक्षा से पहले ये 20 फुल प्रैक्टिस सेट ओनली फॉर 49 रुपीज के अंदर है, आप पे कर सकते हैं, फोन पे गूगल पे पेटीएम कर सकते हो, और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्प मिलने वाला है। किस रिजर्व बैंक ने, देखिए किस रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, आरबीआई के बारे में पूछा गया, इसका राइट आंसर नीरज निगम, क्या है, नीरज निगम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंपनी ने हाल ही में कारोइकल पोर्टल अधिग्रहण किया गया, अधिग्रहण क्या है, ये अडानी ग्रुप, कौन सा दोस्तों, अडानी ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलीम दुर्रानी, ये सवाल तो दोस्तों आप जितना इसका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस करें ना वो आपको ध्यान रखना। सलीम दुरानी दोस्तों, सलीम दुरानी किस खेल से, जगत से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों, क्रिकेट से है। और सलीम दुरानी है ये गुजरात से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। इन्होंने क्रिकेट खेला था, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्रिकेट, यस क्रिकेट में दुनिया के अंदर खेला, जो पहले क्रिकेट खेला जाता था, सर्वप्रथम क्रिकेट की शुरुआत में ये भारतीय क्रिकेट की कमान संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस देश के साथ सिलनेक्स मैरीटाइम एक्शन साइज का भाग था, श्रीलंका, किसका था भाग था, श्रीलंका का था। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है दोस्तों, आईपीएल की बात हो रही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर खलील अहमद, कौन है दोस्तों, खलील अहमद ने सबसे तेज विकेट लेने वाले बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो ने यूजीसल लॉन्च व्हीकल की सफलता ट्रेनिंग डीआरडीओ के किसके सहयोग से, तो दोस्तों याद ध्यान रखना इंडियन एयरफोर्स की, किसके, इंडियन एयरफोर्स के। पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी भैया। चलिए बताएंगे अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल देखिए नौसेना संचालित महानिदेशक का कार्यभार किसे सौंपा गया, यानी जो कार्यभार नौसेना का कार्यभार किसे सौंपा गया है, इसका राइट आंसर अतुल आनंद को सौंपा गया है। देखिए, भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में 5000 रन पूरे किए, किसने किए दोस्तों, 5000 रन पूरे किए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के कम से कम एक सवाल तो आपको देखना मिलेगा, इसका राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी, एनएस धोनी, सीएसके, सीएसके ने क्या जीती है, ट्रॉफी जीती है, यस। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली गई है, किस बैंक ने खोली है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसे खोली है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका राइट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सुजुकी मोटर इंडिया के नए मैनेजर डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, इसे है केनिची उमेदा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास के लिए 6 पॉइंट दर को घटाकर कितना कर दिया गया है, 6.3। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न को जितना इंपॉर्टेंट समझे उतना बेहतरीन है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश अफ्रीकी देश का पहला ऑपरेशन ल्यू अर्थ ऑब्जेक्शन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, केन्या के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, केन्या के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रहने वाले हैं। नासा ने अपने चंद्रयान को आर्टेमिक्स 2 के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नाम घोषित किए, कुल 4 अंतरिक्ष नाम घोषित किए गए। फिक्की लेडिंग ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में आई। दोस्तों ये प्रश्न को आप रट लेना है, FLO, यस FLO, FLO, वेरी इंपॉर्टेंट FLO, FLO की स्थापना 1927 के अंदर कब हुई दोस्तों, 1927 के अंदर हुई। बताइए प्रश्न का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सुधा शिव कुमार आपके राइट आंसर। नाटो के 31वां सदस्य, वेरी 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 जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करोगे ना दोस्तों एग्जाम के अंदर नहीं पूछे तो मेरे को पूछ लिया। नॉर्थ अंटार्कटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉल अंटार्कटिक की ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई, कब हुई थी, 1949 के अंदर स्थापना हुई थी। और इसका जो 31वां सदस्य बना फिनलैंड बना, कौन सा बना, फिनलैंड बना। ये आपके एग्जाम के अंदर 1 से लगाकर 13 एग्जाम में नहीं पूछे तो मेरे को बता देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाराणसी के किस उत्पादन को हाल ही में GI टैग मिला। वाराणसी 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 नाम सुना आपने, वाराणसी 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 बताइए, IG टैग वाराणसी। राइट आंसर बनारसी पान और बनारसी लंगड़े आम को दिया गया, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड कार्बोनेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यस ऑप्शन नंबर स्काईरूट एयर स्पेस। नेक्स्ट अगला देखिए, डॉप टैप में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टिंग को 4 साल के प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों नशा मुक्त, क्या नशा मुक्त, नशा मुक्त कि भाई आपने ड्रॉप लिया है। यस संजीता चानू। देखिए इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस देश, दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करे ना उतना राइट आंसर है। कर्नाटका राज्य, कौन सा राज्य, कर्नाटका राज्य आपका राइट आंसर है। G20 डायलॉग फोरम के तहत B24 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों कोहिमा, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर सॉरी कोहिमा के अंदर किया गया था, ध्यान रखना। गुजरात टाइटल के चोटिल केन विलियमसन की जगह किस खिलाड़ी को टीम में सम्मिलित किया गया दोस्तों। गुजरात टाइटल इस बार उप विजेता रही, क्या रही, उप विजेता रही। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है दुसान सनाका, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये हमने आज 35 क्वेश्चन हमने किए, इनमें से कम 2 से लगाकर 5 प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। PDF फाइल आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर ले, 49 ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर दीजिए।